कितना बढ़िया साउंड होता है सुबह सुबह, उधर गाय बोल रही है, इधर चिड़ियाँ बोल रही हैं। आज मैं फिर जा रहा हूँ, वही मेरा काम सुबह का, दूध लेने। अगर काम धंधा सेट हो जाए ना यहाँ पे, तो फिर तो बंदा यहीं रह ले, मज़ा आ जाए। चाय में भी दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, ढंग की चाय बनाई नहीं है। आप चाहिए अपनी शहर वाले फाइव स्टार होटल्स में, यहाँ तो ऐसे ही होता है। चाय मैंने खुद बनाई है, आपने खुद, और तुम्हारी किस्मत उल्टे नहीं बस सर, पहले अच्छे से बात कीजिए। दूसरे कस्टमर को भी मैंने सर्विस दी है। चाय का काउंटर वहाँ था, आप चले जाते। अरे चाय का काउंटर तुम्हारा दूसरा है कहाँ पे? ये गुंडागर के, ये आपका पूरा षड्यंत्र था। षड्यंत्र षड्यंत्र पर आप है कि जितनी कस्टमर है हमने भी कभी नहीं देखा। यहाँ पे ब्रेड काउंटर है, आप यहाँ पे चाय बनाने आ गए। गुड मॉर्निंग, आज मैं फिर जा रहा हूँ, वही मेरा काम सुबह का, दूध लेने। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, पिंकी भी, और मेरी तो आपको पता है ड्यूटी होती है सुबह सुबह दूध लाने की, और इसी बहाने चलो सैर भी हो जाती है मेरी। आज तो सूरज निकला है, कल तो बहुत लेट निकला था और थोड़ी देर ही निकला, फिर बादल बादल थे। आज धूप निकली है थोड़ी। और अपने मकान का काम जो है वो पीछे वॉल तो हो गई थी, जो रिटेनिंग वॉल्स होती हैं मिट्टी को रोकने वाली, तो उसके बाद अब नीम जो है वो इतनी गहरी नहीं यहाँ पे खोदते, तो जो कॉलम होते हैं उसके लिए खड्डे खोदते हैं, तो वो खड्डे होने शुरू हो गए हैं। तो आज देखते हैं कितना काम हुआ है, अभी नहा धो के फिर जाऊंगा। टी पॉइंट तक ये ख़राब था, जहाँ से एक तरफ को आश्रम को चला जाता है रोड, और एक तरफ को अपने घर को चला जाता है, तो अपने घर को जो जाता है वो तो साफ था पहले से ही, और जो आश्रम को जाता था वो टूटा हुआ था, तो आश्रम वालों ने कह के ये पूरा रोड बनवा दिया। अभी हमने ले लिया दूध, आज वो भैंस वाला रखा ही नहीं उन्होंने, ध्यान उन्हें रहा नहीं, उन्होंने बीच में मिक्स कर दिया, तो आज मिक्स वाला ही लेके आया हूँ। आवाज़ सुनो, पूरा जंगल का फील आ रहा है। कितना बढ़िया साउंड होता है सुबह सुबह, उधर गाय बोल रही है, इधर चिड़ियाँ बोल रही हैं, इधर हवा चल रही है, मज़ा आ जाता। मैं तो सच में यही चीज़ ही महसूस करना चाहता हूँ, ये हवा, ये पानी, ये साउंड, ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है यार। अगर कोई काम यहाँ पे सेट हो जाए ना पहाड़ों में, बिजनेस अपना, तो फिर तो बंदा यहीं रह ले। अब तो जैसे घर बना रहे हैं तो छुट्टियों के लिए बना रहे हैं, है ना, चलो जब मन किया तब आ गए, लेकिन अगर काम धंधा सेट हो जाए ना यहाँ पे, तो फिर तो बंदा यहीं रह ले, मज़ा आ जाए, ज़िंदगी बड़े आराम से और बढ़िया कट जाए। देखते हैं आगे क्या लिखा है किस्मत में। क्या मौसम है यार, गजब मौसम है, गजब। देखो कितना बढ़िया लगता है। और ये मुड़ गए हम घर की तरफ, ये भी देखो कितने, लोकेशन कितनी अच्छी है ना, ये रास्ता भी कितना अच्छा लगता है। और ये देखो चारों तरफ घाटी है, मतलब चारों तरफ नहीं कह सकते, तीन तरफ, एक तरफ ये पहाड़ लग जाते हैं, तो इधर से थोड़ी हवा रुकती है, बाकी तो ठीक अच्छी हवा आती है। ये
पहुंच गए हम घर। अभी भी सोए हुए हैं, देखो दरवाजा बंद ही है। ये देखो कोल्ड कॉफी बनाने का तरीका, थोड़ा कैजुअल है। ठंडा दूध डाला, कॉफी डाली बोतल में और चीनी डाली, चीनी और थोड़ा सा हल्का सा पानी, हल्का सा पानी, और बस इसे हिलाते ऐसे ऐसे हिलाते जाओ तो ये पूरी झाग फोम फोम टेक्सचर में आ जाएगा। इतना सा मेरा दूध था और ये सारी फोम है, बाकी दूध। देखो नए नए तरीके, कहती है मेरे को यहाँ पे वो बारटेंडर जो होते हैं उसमें उसमें जॉब लग जाती है, जॉब लग जाए। इधर भाड़ा दे दुकान खोल ले, दुकान जो बार बनावांगा फोन लेके बैठी है, एक हाथ में फोन एक हाथ से इधर, बताओ इधर इन क्या बनेगा इनका। इन्होंने तो संन्यास ले रखा है, ना खाते हैं ना पीते हैं ना बाहर आते हैं, इन्होंने सन्यास ले रखा है। चाय में भी दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, डंकी चाय बनाई नहीं है। कैसा रेस्टोरेंट है तुम्हारा? देखिए हमने आपको कितनी बार बोला है, हम आपको लिख के भी दे सकते हैं कि वो सामने काउंटर है चाय का, आप वहाँ जा सकते थे। ये ब्रेड का काउंटर है, ये ब्रेड का काउंटर है, आपने खुद यहाँ पे जबरदस्ती चाय बनाई। दूसरा काउंटर कोई है ही नहीं तुम्हारा, कहाँ जाऊँ? सर सामने है तो। सामने वो दूसरे का रेस्टोरेंट है, वो तुम्हारा नहीं है। ये सीधा सीधा बोलो कि आप दूसरे रेस्टोरेंट पे चाय पी के आइए और ब्रेड यहाँ पे खाइए। सर हमारा ही है वो, नहीं है तुम्हारा, हमारा है काउंटर वो चाय का उधर, ये हमारा ब्रेड सेक्शन है। यहाँ पे एक तो आपने जबरदस्ती चाय बनाई, हमने आपको कुछ नहीं बोला। चाय बनाई है तो दोनों काउंटर तुम्हारे है ना, दोनों काउंटर तुम्हारे हैं तो सर्विस भी तो तुम ही दोगे। लेकिन सर, ये क्या मतलब, ये ब्रेड का काउंटर है, चाय का काउंटर उस तरफ है, हमने आपको कितनी बार बोला है चाय का काउंटर उस तरफ है। तो फिर आप ऑर्डर लेके मुझे चाय वहां से दीजिए ना, मैं थोड़ी ना जाऊंगा वहां पे। नहीं सर ये हमारे इधर नहीं, ये हमारे सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, ऐसे हम हमारे वेटर्स नहीं जाते ऐसे। तो ऐसी क्या सेल्फ सर्विस भी, बंदा खुद ही चाय बनाए, ये क्या सेल्फ सर्विस है? वो काउंटर था चाय का काउंटर था, आप वहां जाते आपको बनी बनाई चाय मिलती, पर आप है कि जिद्दी कस्टमर है, हमने भी कभी नहीं देखा। यहाँ पे ब्रेड काउंटर है, आप यहाँ पे चाय बनाने आ गए। देखो मैंने देखा तुम्हारे ब्रेड भी बनते हुए और ऐसे ही तुम चाय बनाते, इसीलिए मैंने खुद बनाई चाय। सर पर हमने तो आपको कभी नहीं देखा, हम आज ही देख रहे हैं आपको। मैंने अभी भी देखा ना, कैसे बना रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हैं, हम नहीं भूलेंगे ऐसे कस्टमर को। आप चाहिए अपने शहर वाले फाइव स्टार होटल्स में, यहाँ तो ऐसे ही होता है। लेकिन देखो पहाड़ में आके भी बंदा कोई रेस्टोरेंट वाला बात कैसे कर रहा है, देखो कस्टमर को भगवान होता है। बदतमीज, आप तमीज से बात कीजिए, पहले तो ये वीडियो, तुम तमीज से बात करो। सर पहले ये वीडियो बंद कीजिए। वीडियो नहीं बंद होगी, ये असलियत दिखाऊंगा मैं तुम्हारी कि ये ढाबे वाला ये रेस्टोरेंट वाला कैसे बात करता है। एक्सपोज्ड, कस्टमर को डील करना नहीं आता, इन्हें कस्टमर से कैसे बात करते हैं बताओ। सर देखिए उस कस्टमर से अच्छे से डील करी जाती है जो कस्टमर अच्छा हो। आप जैसा कस्टमर हमने पहली बार देखा है, हमारे हजार साल के हमारे बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, हमने ऐसा कस्टमर कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे कस्टमर जो और बैठे हैं उनको भी मैं सर्विस दे के आया हूँ, उनको चाय पकड़ाई है मैंने, ब्रेड पकड़ाए हैं, तो मतलब मैं बेकार हो गया, कस्टमर बेकार हो गया, ये क्या मतलब। मैं तो बल्कि तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैंने चाय मैंने खुद बनाई है और तुम्हारे कस्टमर दूसरे दूसरे कस्टमर को भी मैंने सर्विस दी है। बताओ मैंने सिर्फ यही कहा कि बर्तन उठा के ले जाइए खाली। सर आपने खुद सेल्फ सर्विस चूज करी, पहले चाय का काउंटर वहां था, आप चले जाते। अरे चाय का काउंटर तुम्हारा दूसरा है कहाँ पे? इस बार बात होगी, चाय का काउंटर नहीं है। सामने है सर, नहीं है, मैं रेड का है वो रहा सामने। मैं सारा चक्कर लगाया यहाँ पे तो है नहीं। सेल्फ सर्विस चूज करी चाय बनाने की
तो फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार अगर आपने सेल्फ सर्विस चूज करी तो आपको सारा काम अपने आप करना पड़ेगा, आपको अपने बर्तन भी उठा के हमारे रेस्टोरेंट किचन में रखने पड़ेंगे। ये क्या मतलब, कल तुम तो ये भी कह दोगे कि धोबी दो बर्तन, ये क्या मतलब? नहीं वो नहीं करेंगे सर। सेल्फ सर्विस होती है कि काउंटर पे तुम्हारा खाना आ गया, वहां से तुम ले लो और खा लो बस, बर्तन थोड़ी ना बर्तन वहाँ पे रखे हो तुम्हारे किचन में, ये क्या मतलब? हमारे इस रेस्टोरेंट का एक नियम है। तो ऐसे रेस्टोरेंट को बंद कर दो। तो फिर आप आए क्यों सर? आप आए क्यों? हमें भूख लगी थी, हमने तो सोचा भाई अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया खाना मिलता है और ये है वो है, हमने सोचा भाई बढ़िया होगा। आप पैसे मत दीजिए पर आप यहाँ से जा सकते हैं सर। ये बात की ना कि पैसे मत दीजिए, यही कम क्या सर? देखिए ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी कहाँ है? तुम सर्विस पूरी दो तो हम पैसे पूरे देंगे। सर ये गुंडागर्दी है, ये आपका पूरा षड्यंत्र था। षड्यंत्र नहीं, षड्यंत्र। हमने खुद खाना बनाया, खुद खाया, खुद हम बर्तन रख के आए, तो तुम्हारा इसमें क्या है सर? फिर हमें कंप्लेन करनी। तुम्हारा इसमें क्या है? किसको करोगे कंप्लेन सर? फिर हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी। किसको करोगे? हमारे मैनेजर को। मैं देख लूंगा तुम, ये क्या बात है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। सारा काम मैंने कोई पैसे नहीं है, एक एक चीज के पानी के भी पैसे ले लो तुम, मैं नहीं आता तुम्हारे रेस्टोरेंट। सर ऐसे जा नहीं सकते आप सर। अब क्या कहना चाहोगी तुम? तुमने कस्टमर भगा दिया अपना। देखो फ्रेंड्स, ऐसे कस्टमर अगर आपके रेस्टोरेंट में आए तो आपसे विनती है कि आप उन्हें पहले तो शक्ल से जान ले कि ये कस्टमर कैसा है। आप उसके बाल देखें पहले, इतने बड़े हैं, अगर इतने बड़े हैं तो वो ठगी करेगा, और अगर इतने इतने हैं तो वो कस्टमर सही है, आप उन्हें अंदर ले जा सकते हैं, उन्हें आप सर्विस दे सकते हैं। पर जिनके बाल इतने इतने हैं उन्हें आप अंदर मत दीजिए, वो आपके आपके साथ धोखा करेंगे। और देखिए ऐसे कस्टमर जो धोखा देते हैं फिर पैसे भी नहीं देते हैं। बंद करो कैमरा, बंद करो। ये आपका ही कैमरा है सर। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा बंदा है, ये तुम्हारा बंदा है, ये तो आपका ही, ये तुम्हारा बंदा है, मेरा बंदा गया, तुम्हारा बंदा है। इस बंदे ने मुझे हायर करा था, इस बंदे ने मुझे पैसे दिए, सब मिले हुए हैं। मैं देख लूंगा सर, ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल जाएगा। सो फ्रेंड्स शाम हो गई है और आप बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और व्यू तो आप देख ही सकते हो, ये हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उसके बाहर का व्यू है, और ये थोड़ा काम यहाँ पे रोड का चल रहा है, बाकी ठंड बहुत हो गई है। मस्त खुशबू है गीली मिट्टी की। और हम बारिश में खड़े हैं क्योंकि वाई नॉट, कैसा लग रहा है बारिश में खड़े होके? बारिश में खड़े होके मजा आ रहा है, दया करती ना, मजा आ गया, मजा आ रहा है भाई। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है, फारसी टाइप और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मजा आ रहा है। कपड़े हल्के हल्के भीगे हैं बस, मेरा फोन भी ज्यादा नहीं भीगे हैं, मजा आ रहा है, मजा। ले व्लॉग करें खत्म? हां व्लॉग में था क्या? तेरा रेस्टोरेंट था। हाँ क्या, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। Thank you. Do subscribe our channel, like this video, and we will see you in the next video. Bye. Like कर दिया करो भाई. Thank you. दिल से बुरा लगता है भाई. Like कर दिया करो भाई. दिल से बुरा लगता है.